धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ रक्षाबंधन के ऊपर। अगर आपको भी इस तरह का वीडियो क्रिएट करना है अपने फ़ोटो के साथ, तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योर वीपिन को आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो को हम कैपकट एप्लीकेशन की हेल्प से एडिट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिक्योर वीपिन से अपने फ़ोन को यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी फ़ोटो के साथ आपको वीडियो बनाना है उस फ़ोटो को यहाँ से सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में आपको चले जाना है और आपको इस वाटरमार्क को यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट की ओर स्क्रॉल करना है और आपको क्या करना है, रेशियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो पे आपको टाइप कर लेना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप टू फिंगर की हेल्प से अपनी फ़ोटो को आपको जूम कर लेना है। ऐसे करके सभी फ़ोटो को आपको ऐसे करके जूम कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक होना है और यहाँ पे आपको फ़िल्टर के ऑप्शन पे चले जाना है। देन यहाँ पे आपको एडजस्ट पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस पे क्लिक करना है। इसको आपको क्या करना है, माइनस का 30 कर लेना है। कॉन्ट्रेस्ट पर आपको टाइप करना है, इसको आपको प्लस का 50 कर लेना है। सिचुएशन पे टाइप करना है, इसको आपको क्या करना है, माइनस का 50 कर लेना है। देन यहाँ से ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फिल्टर को आपको पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो के बीच में आपको ट्रांजेक्शन ऐड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओवरले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, मिक्स ट्रांजेक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.8 सेकेंड के आसपास इसको रख लेना है और यहाँ पे आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर लेना। देन यहाँ से आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको वीडियो को ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने वीडियो के एंड में आपको चले जाना है और आपको इस वाटरमार्क को यहाँ से डिलीट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको ऐड ओवरले पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो के ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, सेम फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन वाइज अपने फ़ोटो को रख लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको राइट की ओर स्क्रॉल कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रॉप पे टाइप कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को आपको क्रॉप कर लेना है। ऐसे करके आपको सभी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको ऐड ओवरले पे जाना है और यहाँ पे आपको वीडियो को ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन
पेंट ब्रश वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना, राइट की और स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है। देन यहाँ पे आपको क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से पेंट ब्रश वीडियो को क्रॉप करके ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक हो जाना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना, राइट की और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कटआउट पे टाइप करना है। देन यहाँ पे आपको क्रोमा की पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना, इस सर्कल को आपको यहाँ पे आपको सेंटर में ऐसे करके ले आना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना, इंटेंसिटी पे आपको टाइप कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना, इसको 50 के आसपास रख लेना है। देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ग्रीन स्क्रीन पेंट ब्रश वीडियो को आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आपको बैक होना है और यहाँ से आपको क्या करना है, जितनी आपकी फ़ोटो है उतने बार इसको आपको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। ऐसे करके आपको सभी फ़ोटो को सही से एडजस्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वीडियो में आपको लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से ऐड ओवरले पे टाइप कर लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है। देन यहाँ पे आपको ब्लेंड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको लाइटिंग को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लिरिक्स वीडियो को आपको नीचे में ऐसे करके रख लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ से आपको क्या करना, अपनी वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।